हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इनिंग चैनल में आपका सभी का स्वागत है। चलो चलते हैं आज CSK और गुजरात के बीच, देखते हैं मैच टक्कर की होने वाली है। CSK का काफ़ी टाइम से फॉर्म खराब चल रहा है, बाकी आज जीतने का पूरी उम्मीद है, चांस है। देखते हैं इसमें प्लेयर विकेट कीपर की बारी आती है। देखा MS धोनी है, एक रिधिमान शाह है। रिधिमान शाह के लेते हैं। MS धोनी का नंबर जो है काफ़ी पीछे आता है, इसको इसलिए उसको छोड़ते हैं। उसके बाद आते हैं डी कॉन्वे, इसका फॉर्म काफ़ी अच्छा है दोस्तों। जैसे कि अभी 9.5 है, आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। एक डेविड मिलर है, ये भी इसका काफ़ी फॉर्म बढ़िया है। दूसरा फिर शुभ नाम गिल है, ये कभी चल भी जाते हैं, कभी नहीं भी चलते हैं। आप इसे ड्रॉप कर सकते हो या ले भी सकते हो, आपकी इच्छा है। एक हमने शुभ नाम गिल का ले लिया, एक ऋतुराज गायकवाड़ का ले लिया। मुस्तफ़ा का फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा है, काफ़ी आप देख सकते हैं इसके मैच में जो है पॉइंट जो है काफ़ी बेकार आ रहा है, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर दिए। एक अमानती रेडियो है, आप इसे भी चाहो तो आप ले सकते हो। ये भी जो है अगर आपका कोई प्लेयर नहीं चले तो ये भी अच्छा स्कोर आज का दे सकता है। चलते ऑलराउंडर की तरफ। ऑलराउंडर में हमें मोइन अली की ओर देखना पड़ता है। आप इसे भी ले सकते हैं, इसका भी देख रहे हो आप। ये मैच पिछले मैच में जो है काफ़ी इसका उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी अच्छा गया। उससे पिछले मैच में 116 पॉइंट दे गया, उससे पिछले में 108 दे गया, बाकी 2-3 मैचों में वो ड्रॉप ही रहा। आप इसे ऐड कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर। एक ये हार्दिक पांड्या हो गया, ये जो है आपका गुजरात की तरफ से कैप्टन है, आप इसे ज़रूर लें, क्योंकि ये बॉलिंग और बैट्समैन दोनों कर सकते हैं, इससे काफ़ी बढ़िया मतलब कर देते हैं ये। आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। एक राहुल केवतिया हो गया, इसे भी आप ले सकते हैं। एक RC किशोर हो गया, ये भी इसे ले सकते हैं। चलिए बॉलिंग की ओर चलते हैं। बॉलिंग की ओर राशिद खान का देखा जाता है। राशिद का जो बॉलिंग है, इसका जो क्रेडिट इशू होने वाला है, हमें इसका ज़्यादा ही मांग रहा है। आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये एक या दो विकेट तो आप मान कर चलो ये लेंगे, क्योंकि आप इसका देख सकते हैं परफॉर्मेंस जो है कई सारों मैचों में है, सब मैचों में इसने एक ना एक विकेट तो लिया ही है इसलिए। एक ट्रेन ब्रेवो जो चेन्नई सुपर का टीम का जो है बहुत सुपर फास्ट और अच्छा बॉलर है, आप इसे भी ले सकते हैं। मोहम्मद शमी को भी ले सकते हैं, मोहम्मद शमी भी अच्छा बॉलर है गुजरात की तरफ से। एक लोकेश फर्ग्यूसन को देखा जा रहा है, ये भी जो है अच्छा बॉलर है, आप इसे छोड़ दें, क्योंकि जो इसका जो है ना पिछले मैच में शायद इसका फॉर्म उतना बढ़िया नहीं रहा और मैच के अंदर रहे भी ना, इसलिए आप इसे फाइनल प्रीव्यू तक वेट करें। 2 घंटे बाद मैच स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद एक है एम चौधरी, इसका भी फॉर्म काफ़ी अच्छा है, इसे भी आप अपनी टीम के अंदर ले सकते हैं। इसका टीम का जो है पॉइंट आप दे सकते हैं, काफ़ी 108, 62, 10, 116 पॉइंट अच्छा दे रखा है, इसे भी आप ले सकते हैं। हमें तो कोई क्रेडिट का इशू नहीं हुआ, चलिए आप टीम बनाते हैं। कैप्टन वॉइस कैप्टन की बारी आए हैं, रिधिमान शाह का भी आप कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है अच्छा बैट्समैन है। शुभ नाम गिल हो गया, डेविड मिलर हो गया, ऋतुराज गायकवाड़ हो गया और डी कॉन्वे हो गया। हम चलते हैं कैप्टन बनाने के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बनाएंगे, मोइन अली को आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या नहीं तो आप हार्दिक पांड्या को बना सकते हैं, या दूसरा हो गया राशिद खान, इसे भी कर सकते हैं। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने की जो है आप खुद ट्राई करें। ये जो है ग्रीन लीग के लिए नहीं है, ये शॉर्ट लीग के लिए है, जो आप मतलब अच्छा विन कर सकते हैं। नेशनल टीम के लिए ये काफ़ी अच्छा टीम है। ठीक है, नमस्कार।